मग प्रिंटिंग टी शर्ट फोटो फ्रेम का व्यापार कैसे शुरू करें। आजकल का दौर फैशन का दौर है। इस दौर में लोग अपनी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं। इस वजह से कुछ ऐसे व्यापार भी सामने आए हैं जो कि इस फैशन के कारण ही मार्केट में आए हैं और ये बहुत कम पैसे में शुरू किए जा सकते हैं। कई नए फैशन जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल पे कवर प्रिंटिंग, प्रिंटेड मग आदि आजकल बहुत ज्यादा देखे जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पर्सनलाइज आइटम प्रिंटिंग बिजनेस से जुड़े कुछ बिजनेस के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं वो कौन से व्यवसाय हैं। टी शर्ट मग प्रिंटिंग फोटो फ्रेम बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप भी किसी नए बिजनेस की तलाश में हैं तो आप टी शर्ट मग प्रिंटिंग और फोटो फ्रेम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस कम लागत में अच्छा मुनाफा दिला सकता है। इस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है। इस बिजनेस में व्यक्ति को टी शर्ट और मग पर अलग अलग तरह के डिजाइन पैटर्न प्रिंट करने होते हैं जो कि एक तरह के प्रिंटिंग मशीन की मदद से किया जा सकता है। टी शर्ट मग प्रिंटिंग फोटो फ्रेम बिजनेस के लिए जगह का चुनाव। इस बिजनेस में लगने वाले जगह काफी कम होती है क्योंकि एक छोटी सी मशीन से ही आप टी शर्ट मग फोटो फ्रेम पर प्रिंटिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें लगने वाले उपकरण कुछ इस प्रकार है। एक कंप्यूटर जिसकी कीमत 15,000 से 20,000 तक होगी। एक सब्लिमेशन प्रिंटर ये आपको 9,000 से 10,000 तक आराम से मिल जाएगा। एक प्रिंटिंग मशीन ये आपको 14,000 से 15,000 तक मिल सकती है। ग्राफिक डिजाइन के लिए फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इसका फ्री ट्रक वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे खरीद भी सकते हैं। इसकी कीमत 5,000 से 6,000 तक है। जब आपके पास ये सब मशीन होंगी तब आपको प्रिंटिंग के लिए अगले चरण के कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। टी शर्ट पर डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं। अब आपके पास डिजाइन बनाने के लिए सारी जरूरी चीजें हैं तो आप पेंटिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की मदद से वो डिजाइन बनाना है जो कि आप टी शर्ट पर प्रिंट करना चाहते हैं। एक बार डिजाइन तैयार कर लेने के बाद आपको उस डिजाइन का सब्लिमेशन पेपर पर प्रिंट लेना है। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन चालू करके टी शर्ट को मशीन के सामने रखा जाता है और जहाँ पर प्रिंट लिया जाना है वहाँ सब्लिमेशन पेपर रखा जाता है। इसके बाद मशीन से टी शर्ट को प्रेस किया जाता है। अब 30 से 40 मिनट बाद मशीन को हटाकर टी शर्ट के ऊपर से सब्लिमेशन पेपर का ऊपर का हिस्सा हटा दिया जाता है और हमारी टी शर्ट तैयार हो जाती है। मग पर डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं। मग पर डिजाइन बनाना भी आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। एक बार जानकारी हासिल करने के बाद जैसे हम टी शर्ट में प्रिंट करते हैं ठीक उसी प्रकार। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चाहिए डिजाइन तैयार करना होगा जो डिजाइन आप मग में पेंट करना चाहते हैं। डिजाइन तैयार होने के बाद इसका JPG फाइल हमें अपने कंप्यूटर पर सेव करना है। इसके बाद सब्लिमेशन प्रिंटर के जरिए आपको प्रिंट निकालना होता है। जब सब्लिमेशन पेपर में डिजाइन प्रिंट हो जाता है तब मग में चारों तरफ सब्लिमेशन पेपर को लपेट दिया जाता है और सब्लिमेशन टेप से मग को चिपका दिया जाता है। इसके बाद मग प्रिंटिंग मशीन को चालू करके थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है। जब मशीन गर्म हो जाती है तब मग को मशीन में रखकर प्रेस किया जाता है। थोड़ी देर प्रेस करने के बाद मग को हटा दिया जाता है और मग पर डिजाइन प्रिंट हो जाता है। टी शर्ट मग प्रिंटिंग फोटो फ्रेम बिजनेस में मुनाफा लागत। इस बिजनेस को शुरू करने में कुल 50,000 से 70,000 तक का खर्च आ सकता है, पर अगर आप सही ढंग से करें इसे तो इसमें आप 30 से 40,000 आसानी से कमा सकते हैं। एक टी शर्ट प्रिंट करने में आपकी कॉस्ट सिर्फ 10 से 12 रुपए की होती है और टी शर्ट आपको बाजार में 70 से 80 रुपए में मिल जाएगी, यानी कि लगने वाली लागत होती है 90 से 95 और इसी को आप 150 से 200 रुपए में बेच सकते हैं। मग प्रिंटिंग से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम लागत है और मग प्रिंट करने में आपकी लागत 7 से 8 रुपए तक की होती है और एक प्लेन मग की कीमत 70 से 75 की होती है, यानी कुल लगने वाली आपकी लागत होती है 50 से 80 और इसे आप 150 से 220 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।